हेलो फ्रेंड, आज हम इस एपिसोड में एलिमेंट्री ड्राइंग एग्जाम का प्लेन ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने वाले हैं। आज का यह क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्लेन होगा। आपने ड्राइंग एग्जाम गाइड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब करना है, पास वाले बेल आइकॉन को ऑल क्लिक करना है। वीडियो समझ में आया और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करना है। प्लेन ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास राउंडर, इसे कंपास भी बोलते हैं, प्रोटेक्टर, स्केल और पेंसिल, इन ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है। आज हम इंग्लिश, हिंदी और मराठी लैंग्वेज में क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उसका अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन करना है और उसे समझ लेना है। इंग्लिश क्वेश्चन सेक्शन 2, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स। एग्जांपल 10, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ इट्स बेस एंड द टू एंगल्स एट द बेस बीइंग गिवन। क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद इट्स बेस 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द एंगल एट द बेस 60 डिग्री एंड 70 डिग्री रिस्पेक्टिवली। हिंदी प्रश्न विभाग दूसरा, त्रिभुज रचना। उदाहरण, त्रिभुज की रचना करना, उसके आधार की सहायता से और आधार पर दो कोण दिए जा रहे हैं। प्रश्न, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 5 सेंटीमीटर लंबा हो और जिसके आधार पर कोण 60 डिग्री और 70 डिग्री के हो। मराठी प्रश्न, पाया 5 सेंटीमीटर व पाया लगतचे दोन कोण अनुक्रमे 60 अंश व 70 अंश मापाचे घेऊन त्रिकोण काढा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 हमने इंग्लिश, हिंदी और मराठी लैंग्वेज में देखा है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, प्रश्न में दिए गए अनुसार हमें जो आधार दिया है, यानी कि पाया दिया है, बेस दिया है, वो 5 सेंटीमीटर दिया है। इसलिए यहाँ पर हमें एक 5 सेंटीमीटर लंबी वाली एक लाइन लेना है। इस प्रकार से इसे नाम देना है बी सी। यहाँ का डिस्टेंस इसका लिखना है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर रिस्पेक्टिवली दो एंगल दिए गए हैं, 60 डिग्री और 70 डिग्री, यानी अनुक्रमे 60 और 70 डिग्री एंगल दिए हैं। यहाँ पर हम बी पॉइंट पर 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। प्रोटेक्टर को यहाँ पर केयरफुली मैच करना है। प्रोटेक्टर का सेंटर वाला पॉइंट बी पॉइंट से मैच करना है। ऊपर वाली जो ब्लैक लाइन है वो बीसी लाइन से करेक्ट मैच करना है और यहाँ से गिनती करना है 10, 20, 30, 40, 50 और 60। 60 डिग्री पर हमने एक मार्किंग किया था, उस मार्किंग को और बी पॉइंट को लाइन से ऐसा जोड़ना है। यहाँ पर एंगल बनाया था हमने 60 डिग्री, एंगल लिया था हमने 60 डिग्री, इसलिए यहाँ पर 60 डिग्री लिखना है। उसके बाद सेकंड वाला जो एंगल है वो सी पॉइंट से हमें निकालना है, उसका जो डिग्री है वो 70 डिग्री है, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70 पर मैंने मार्किंग किया। मार्किंग होने के बाद उस मार्किंग को और सी पॉइंट को लाइन से जोड़ना है। इस प्रकार से यहाँ पर लिखना है 70 डिग्री। ये दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ पर क्रॉस हुए हैं, वहाँ पॉइंट लेना है और उस पॉइंट को नाम देना है E। इस प्रकार से हमने त्रिभुज रचना बनाई है। बच्चों, आप भी इस तरह से प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करते समय यहाँ पर जो डिग्री मैंने लिया है उसको चेंज करना है और इस बीसी लाइन आपको क्या करना है, चेंज करना है और इसकी ज़्यादातर प्रैक्टिस करना है। आज का यह क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू।